नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। ये MCQ रिवीजन पार्ट टू है। पार्ट वन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये पार्ट टू है। तो फॉर अ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y, इफ dx इज इक्वल टू 25, dy इज इक्वल टू 50 एंड d इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछा है। तो हमें पता है कि x का जो वैल्यू होगा वो dx बाय d होगा। डी एक्स का वैल्यू कितना? 25। डी का वैल्यू कितना? 5। 5 5 5 5 5 25। तो आंसर कितना आएगा? 5। अगर यही क्वेश्चन में उन्होंने अगर आपको y पूछा होता तो आप लिखते हैं dy बाय d, तो dy इज 50। dy यहाँ दिया ना बच्चों 50, और d का वैल्यू कितना दिया है? 5। तो 5 एकम 5 5 धामे 50, तो 10 हो जाएगा। 5 10 50 10। तो अगर डी वाई पूछता तो आंसर सी आता, और एक्स पूछा है तो आंसर 5 आता। कि आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगा जिसका डिग्री यानी जिसका सबसे ज्यादा पावर 2 होगा, घातांक 2 होगा। ये देखिए इधर पे 3 है ना बेटा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये 3 है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, ये x नीचे है ना, अगर हम सब जगह x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 3 बन जाएगा। देखिए ना, अगर इधर प्रश्न क्या था, एक्स स्क्वायर 1/x - 2 इज इक्वल टू 7/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -2x² इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो x और x कट, तो बचा क्या, x - 2x² इज इक्वल टू 7/2। इधर पावर 2 है, हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब ये क्यों नहीं है थर्ड वाला? क्योंकि देखो इधर नीचे x है ना बेटा। अब नीचे x है तो क्या हो गया, चलो उसका चेक कर लेते हैं। पहले क्या है, 3/x - 3 इज इक्वल टू 4x². तो नीचे x है ना, तो मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x से गुणा करने पर, तो x कट बचा 3 - 3x, 4x·3 आ गया। देखो 3 आ गया ना, x·3, इसलिए वो नहीं है। ठीक है, और ये क्यों नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर 1 है, पावर 2 नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें जो है बी है। नेक्स्ट, इफ एन एपी डी का वैल्यू दिया है t6 - t2 निकालना। इस प्रकार का कॉमन प्रश्न है, इस प्रकार का जब आपको प्रश्न पूछा जाए, तो जैसे भी t6 - t2 पूछा है, तो आप इन दोनों को माइनस करो। पहले 6 में से 2 गया, कितना होता है 4, जो भी आया उसको d से मल्टीप्लाई कर दो। तो d कितना है उधर 10, तो 4 धामे 40, इसका आंसर आएगा 40। कितना आएगा? 40। जैसे मैं एक प्रश्न और इसमें बता देता हूँ, अगर इन्होंने घुमा दिया तो समझो कुछ और दे दिया, t7 - t5 आपको पूछ लिया, या t4 पूछ लिया सपोज, तो 7 में से 4 गया तो कितना होगा 3, 3 में d मल्टीप्लाई करो। इधर d का वैल्यू उन्होंने कितना दिया 10, तो 3 धामे 30, तो इसका आंसर आएगा 30। समझ में बच्चों? तो आपको जस्ट क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिया होगा इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करके उसको डी से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ GST ऑन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील पे GST का 18% है, तो SGST कितना होगा? 9%। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या है? रियल और इक्वल, वास्तविक और समान है। तो उसका हमको क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो चलो पहले इक्वेशन क्या है हमारा, x² + kx + k = 0, ये इक्वेशन है। तो इधर a की जगह क्या है बेटा 1, b की जगह क्या है c k, और c की जगह क्या है k। उन्होंने क्या बोला है, b² - 4ac = 0 होगा, क्योंकि रूट्स क्या है, वास्तविक और रियल इक्वल है। तो b स्क्वायर बोले तो k² फोर, a का वैल्यू बोले तो 1, c का वैल्यू बोले तो k, तो क्या हो जाएगा, k² - 4k = 0। दोनों में से k कॉमन निकला। अब यहाँ पे देखना बच्चों, आप लोग गलती करते हो, क्या गलती करते हो मैं बताता हूँ। तो इसका हो जाएगा k = 0, और इसका हो जाएगा k - 4 = 0, -4 वहाँ गया, क्या हो जाएगा +4, तो 2 आंसर आएगा, k = 0 k = 4। अब बच्चे आप गलती कहाँ करोगे, आप यहाँ करते हो, जैसे k² - 4k = 0, ये -4k वहाँ गया, क्या हो गया +4k, के कट 1 2 में से 1 केट, तो k का वैल्यू क्या 4, आपको 1 आंसर आएगा। ये गलती है, तो बेटा पहले कॉमन निकाल लो फिर उसको कट करो, तो k = 0 k = 4 आएगा।
तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 4 आएगा, समझ रहे बच्चों। नहीं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम पूछा है, तो मतलब आपको क्या निकालना है, S10, क्या निकालना है S10, और सीरीज क्या दिया है, 15 10 5, 15 10 5, तो पहले वाले को क्या बोला जाएगा T1, दूसरे वाले को क्या बोला जाएगा T2। T1 को A भी बोला जाता है, और D का वैल्यू कैसे मिलता है, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू क्या है 10, T1 का वैल्यू क्या 15, 10 में से 15 गया -5, क्योंकि बड़ा नंबर 15 है ना, -5, तो S10 बोला है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a+n-1d, तो n की जगह क्या लिखना है 10, तो 10/2, 2 × a की जगह क्या है आपका 15, n की जगह 10-1 और d का वैल्यू -5, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5, 15 × 30 प्लस 9 × -5, तो क्या हो जाएगा 5 30 प्लस माइनस माइनस 9 5 45, 30 में से 45 गया, प्लस ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 15, बड़ा नंबर 45, साइन माइनस, 15 5 75, -75 आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे -75 आंसर आया है। हाउ मेनी अल्फा न्यूमरल्स आर देयर इन द GSTIN ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर, डीलर में GSTIN में कितनी संख्या होती है 15, पैन कार्ड में कितनी होती है 10। अभी अभी डी की वैल्यू निकालने बोली है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, तो डी की वैल्यू के लिए देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर 1 और 1 हो जाएगा, इधर 3 और -2 है, तो 3 और -2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -2 -3, क्या आ जाएगा -5, आपका आंसर है -5, ठीक है। इतने पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से कर लीजिएगा, तो MCQs लगभग आपके सारे राइट चले जाएंगे, और हो सकता है कि इसमें से कुछ सम्स 1 मार्क के लिए बन जाए, छोटे 2 मार्क्स के लिए, तो आपके वो भी राइट चले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।